हत्या के आरोपियों से परेशान होकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। थाना जिगना क्षेत्र के ग्राम हथलई में बीते महीने घटित एक हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी पीड़ित पक्ष के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एवं ग्राम में खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। आज फरियादी पक्ष की ओर से विवेक पुत्र ओम प्रकाश भार्गव ने नवागत पुलिस कप्तान गुरुकरण सिंह को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी को दिए गए आवेदन में बताया गया कि 21 सितंबर को विवेक भार्गव को हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके भाई ओम प्रकाश की मारपीट की गई थी। इस मामले में उसी ग्राम के कपिल धर्मेंद्र, रविशंकर भगवत, उमेश भार्गव फरार चल रहे हैं एवं ग्राम में ही हथियार लेकर घूम रहे हैं। प्रार्थी राहुल ने बताया कि वह दतिया में HDFC बैंक में नौकरी करता है एवं उसका हाल निवास दतिया दिनारा रोड पर ही है, जिससे उसे एवं उसके परिवार को फरार चल रहे आरोपियों से जानमाल का खतरा बना हुआ है। अतः उसे बंदूक का लाइसेंस दिया जाए एवं लाइसेंस ना होने तक गार्ड की तैनाती की जाए। SP से आरोपियों की गिरफ्तारी की भी गुहार लगाई गई है। अब कोई भी नहीं है मेरे साथ और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुमको, तुम्हारे बच्चों को भी और परिवार को भी मार देंगे, तो इसलिए आए हम कि जी बड़े सर हमारी सुनवाई करें कि हमारा वो दिन गिरफ्तार करें हमें। ये निवेदन हाँ बताइए, आप किस बेस से आज ज्ञापन देने आए? जी हमारे साथ मारपीट हुई, मेरे भाई का मर्डर कर दिया इन लोगों ने। वो सात आठ लोग हैं एक ही परिवार के, और दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, पांच लोग हथलई गांव के रहने वाले हैं। थाना जिगना लगता है सर। ओम प्रकाश, हमारा नाम है ओम प्रकाश भार्गव। मेरे भाई का मर्डर कर दिया है, मुझे मरणासन्न स्थिति में छोड़ गए थे और राजीनामा का प्रयास दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लो, नहीं तुम्हारे भाई के बच्चों को और तुम्हारे बच्चों को मार के फेंक देंगे। और अपराधी फरार हैं, दो बंद हो गए हैं, पांच फरार हैं अभी। दस हज़ार के नाम ही हैं। मेरे भाई का इन्होंने मर्डर कर दिया है, मुझे मरणासन्न अवस्था में छोड़ गए थे, दो लोग पकड़ गए हैं और पांच फरार हैं अभी। राजीनामा की धमकी दे रहे हैं कि राजीनामा कर लो, नहीं तो सारे तेरे भाई के बच्चों को मार के फेंक देंगे और तेरे को फेंक देंगे, तेरे बच्चों को। और जो पुलिस जाने क्या कर रही है।